तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे तो देखिए आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो उबले हुए आलू से बनाई है तो आप इसे बच्चों के टिफ़िन में दीजिए ये शाम की चाय के साथ में खाइए बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो देखिए इधर ले लिए हैं मैंने तीन उबले हुए आलू आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिएगा ये मैंने मैश कर लिए हैं तो चलिए बना लेते हैं तो गैस पर रख दिया है मैंने एक पैन और पैन में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ही डालेंगे ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे तो गर्म करके ऑयल को हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर राई और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसी में ऐड कर देते हैं प्याज बारीक चॉप करके तो थोड़ा सा सोटे कर लेते हैं तो देखिए इधर है मेरे पास शिमला मिर्च ये भी मैंने बारीक चॉप कर ली है ये थोड़ा सा पालक लिया है और थोड़ी सी ली है गाजर क्रश करके तो इन सभी को अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो आप आलू के साथ में ये सब सब्जियां मिला कर दीजिए बच्चे को बहुत पसंद आएँगे और क्या नाम बच्चों के पेट में भी अच्छी तरह से ये वेजिटेबल चली जाएंगी तो देखिए अच्छी तरह से ये रोस्ट होकर तैयार हो, हो गई हैं तो चलिए आलू को देख लेते हैं तो आलू देखिए मैश बिल्कुल तैयार हैं तो जो वेजिटेबल्स हमने रोस्ट की थी वो मैंने ठंडा करके आलू में मिला दिए हैं तो सब्जी को आप थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा तो देखिए इसमें मिलाते हैं कुछ मसाले तो इसमें डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स ये दो ब्रेड को मैंने पीस लिया था मिक्सी में और इसी में ऐड कर देंगे दो चम्मच कॉर्नफ्लावर अगर आपके पास चावल काटा है तो आप वो ऐड कीजिएगा तो इसी में डाल देते हैं क्रश करके अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और इसी में डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। और इसमें डाल देते हैं जीरा थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर सौंप जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा नाश्ते के अंदर और एक चम्मच डाल देंगे ऑयल और इसमें मिलाएंगे हरा धनिया और इन सभी को मिलाकर अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं फ्रेंड्स सिर्फ पाँच मिनट में बनकर नाश्ता यह तैयार हो जाता है आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं आप चाहे नाश्ते में खाइए या शाम की चाय के साथ में खाइए बहुत ही लाजवाब सा नाश्ता है तो अच्छी तरह से इसे मिलाकर तैयार कर लिया है तो देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है मिलकर तो चलिए हम इसकी सेप देना शुरू करते हैं तो देखिए मैंने इसे तो गोल सेप में बनाया था अगर आपको जो सेप अच्छी लगे आप उसमें बनाइएगा तो देखिए गोल सेप में बनाकर तैयार कर लिया है मैंने इसे तो इसी तरीके से बाकी और भी बना लेती हैं तो देखिए सभी बनाकर तैयार रख ली हैं तो देखिए इधर ले लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स तो इनको इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में लगा लेते हैं इससे बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से तो देखिए सभी को हम इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में लगा लेते हैं तो देखिए ये सभी लग तैयार हो गए हैं तो चलिए इन्हें सेक लेते हैं तो फ्रेंड्स मैंने रख लिया है पैन में ऑयल मैं इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ आप चाहे इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से गर्म होती ऑयल को हम डाल देते हैं इसके अंदर तो हाथ को बचाते हुए आराम से हम डाल देते हैं इन्हें जितने आपके पैन में आए आप उसी हिसाब से डालिएगा तो देखिए इन्हें उलट पलट कर हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं बहुत ही जल्दी सीख कर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं खाने में आप चाहे इनके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर बच्चों को पसंद है तो आप चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर जिस टाइम पर हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स मिलाए थे उसी टाइम पे आप चीज़ भी डाल दीजिएगा थोड़ी सी तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा इनका तो देखिए इन्हें अच्छी तरह से सेक लिया है मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये सिक कर तैयार हो गए हैं तो निकाल लेते हैं इन्हें बाहर तो फ्रेंड्स देखिए कितने लाजवाब से और क्रिस्पी से हमारा नाश्ता दिख रहा है तो ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है तो निकाल लेते हैं तो है। तो है। तो है प्लेट में तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना था देखिए कितना कुरकुरा सा बना था मैं आपको फोक से दिखा रही हूँ तो चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं तो देखिए मैंने सर्व कर लिया इन्हें कैचअप के साथ तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो फ्रेंड्स मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ तो देखिए कितना लाजवास्ता नाश्ता बनकर तैयार है तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़